मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई नीना वर्मा फ्रॉम यूनिटी पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम कैम्ब्रिज, स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट ईबीएस और चैप्टर है 11 हाउसेस। आज हम ईबीएस में चैप्टर 11 में हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाउसेस तो हाउस किसको बोलते हैं, तो एवरीबडी नीड्स अ स्पेस टू लिव इन। द स्पेस वी लिव इन इज कॉल्ड हाउस। हाउस किसको बोलते हैं, तो घर में जो रहने की जगह होती है, हर एक को रहने के लिए एक जगह चाहिए, तो वो जगह होती है जहाँ पे हम रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाउस। तो हाउस में रहने से हमें प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो किस चीज से प्रोटेक्शन मिलता है, हीट, कोल्ड, विंड, रेन, एनिमल्स एंड थीव्स। कौन कौन सी चीज से प्रोटेक्शन मिलता है, तो हीट मीन्स गर्मी, गर्मी भी हाउस में रहने से हमें कम लगती है। कोल्ड यानी ठंड, ठंड भी हमें हाउस में रहते हैं तो कम लगती है। फिर भी हम डोर क्लोज कर देते हैं तो पवन के अंदर नहीं आ सकती है। रेन, रेन भी हाउस के अंदर नहीं आ सकती है। और एनिमल्स एंड थीव्स, चोर भी हमारे यहाँ नहीं आ सकते। इन चीजों से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। कौन कौन सी चीजों से प्रोटेक्शन मिलता है हाउस में रहने से, हीट, कोल्ड, विंड, रेन, एनिमल्स एंड थीव्स। अब हाउस के कितने टाइप्स होते हैं, तो टू टाइप्स के हाउस होते हैं, पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस। पक्का हाउस मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज। कहाँ देखने को मिलते हैं, टाउन्स और सिटी में हमें ज्यादातर पक्का हाउस देखने को मिलते हैं। पक्का हाउस किसे बनता है, तो ब्रिक, स्टील, सीमेंट एंड स्टोन से बनता है। इसे क्या बोलते हैं, पक्का हाउस। कच्चा हाउस, कच्चा हाउस किसे बनता है, तो मॉड, स्ट्रो एंड वुड से बनता है। इसे क्या बोलते हैं, कच्चा हाउस। कच्चा हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। कहाँ देखने को मिलते हैं ज्यादातर, गांव में हमें कच्चा हाउस ज्यादातर देखने को मिलते हैं।